हमारा सबका संविधानिक लोकतांत्रिक अधिकार है कि हम हमारे मत का उपयोग करें। मैं सबसे पहले सभी भाई और बहनों से आह्वान करता हूं कि मैंने पूरे परिवार के साथ अभी वोटिंग किया है, आप सब लोग 6 बजे के पहले मतदान केंद्र पर आकर आपके मतदान का जो अधिकार है उसका कर्तव्य निभाइए और देश के लोकतंत्र को मजबूत करिए। इस चुनाव में मेरा पूरा विश्वास है कि पिछले 5 साल में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने जो काम किया है, महाराष्ट्र में काम किया है, और उसके साथ साथ देवेंद्र जी के नेतृत्व में जो महाराष्ट्र में काम किया है, उस विकास की तरफ देखते हुए महाराष्ट्र की जनता और देश की जनता पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगी और चुनाव के बाद आज तक की रिकॉर्ड ब्रेक विक्ट्री भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और रिपब्लिकन अलायंस को मिलेगी और देवेंद्र फडणवीस ही अगले मुख्यमंत्री होंगे, ये मेरा विश्वास है। आज आपण लोकशाहीचा सर्वात मोठा उत्सव साजरा करतो आहोत। आपल्या सगळ्यांना लोकशाहीचा हा अधिकार आहे, संविधानिक अधिकार आहे, आपला मतदानाचा अधिकार बजावण्याचा। माझी सगळ्या भाऊ बांधवांना बहिणींना विनंती आहे की त्यांनी आपल्या आज संध्याकाळी 6 वाजेपर्यंत येऊन आपल्या मतदानाचा अधिकार बजावणं हे आपलं कर्तव्य आहे। सगळ्यांनी निर्भीडपणे, निपक्षपणे, कुठल्याही प्रकारे दबावाखाली न येता त्याला मत द्यायचं असेल त्याला मत द्यावं, पण मतदान करावं अशी माझी सगळ्यांना विनंती आहे। या निवडणुकीमध्ये विशेषतः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली मागच्या 5 वर्षात देशात जे काम झालेलं आहे आणि त्याचबरोबर विशेष करून देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्रात जे काम झालेलं आहे त्याच्या आधारावर विकास जो झाला तो बघून जनता पूर्णपणे भारतीय जनता पार्टीला विजय करेल। भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना आणि रिपब्लिकन पार्टीच्या अलायन्सला विजय करेल असा मला विश्वास आहे। आणि या निवडणुकीनंतर माननीय देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप, शिवसेना, रिपब्लिकन पार्टी युतीचं सरकार निश्चितपणे येईल असा मला विश्वास आहे। मुझे लगता है कि सब लोगों ने जो भी उम्मीदवार हो, जो भी पार्टी हो, उसमें से चुनना चाहिए। वोट को नोटा के रूप में उपयोग करना या ना कहना ये लोकतंत्र में कभी भी अच्छा नहीं है। कोई परफेक्ट नहीं होता, हर समय परफेक्शन की व्याख्या हर व्यक्ति के हिसाब से बदलती है, पर लोकतंत्र में गुणात्मक सुधार करने के लिए